ह्युंडई क्रेटा के लॉन्च के बाद ह्युंडई की तरफ से एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नई ह्युंडई एलेंट्रा का नया लुक जारी कर दिया गया है। इस गाड़ी को आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ऑफिशियल लुक है सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके कार 24/7 पर। नई ह्युंडई एलेंट्रा में आगे की तरफ लेटेस्ट कास्केडिंग ग्रिल दी जा रही हैं। इसको थोड़ा अग्रेसिव लुक देने के लिए ये सब चीज़ें इसमें की गई हैं। साइड प्रोफाइल भी एकदम से कूपे जैसा बनाया गया है। यहाँ पर स्लोपिंग रूफ लाइन और शार्प कर्व लाइन दी गई हैं जो इसे काफ़ी अग्रेसिव लुक दे रही हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार का पीछे वाला हिस्सा भी काफ़ी पसंद आने वाला है। यहाँ टी शेप एलईडी एलिमेंट के साथ पतले टेल लैम्प दिए गए हैं। कार के बूट लिड पर एक एलईडी स्ट्रिप दी गई है जो दोनों ओर लगे टेल लैम्प को आपस में जोड़ती है। रात के व्यू में आपको ये कार बहुत ही शानदार दिखेगी पीछे से। नई ह्युंडई एलेंट्रा के केबिन को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है। इसमें ऑडी की तरह कनेक्टेड एसी वेंट दिए गए हैं। केबिन को मॉडर्न लुक देने के लिए कंपनी ने इसमें डुअल स्क्रीन सेटअप दिया है। इसके अलावा इसमें एक 10.25 इंच की स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी 10.25 इंच की स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दी गई है। इसका नया स्टीयरिंग व्हील नई क्रेटा से लिया गया है और भी क्रेटा से भी ज़्यादा अग्रेसिव लुक इसको दिया गया है और ये कार काफ़ी धमाल मचाने वाली है। एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं पता, लेकिन इस कार को 15 से 20 लाख की रेंज में ही लॉन्च किया जाएगा 2021 में। ह्युंडई एलेंट्रा को नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, ऐसे में इसकी साइज़ भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नई ह्युंडई एलेंट्रा की साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। लंबाई इसकी 4675 मिलीमीटर है, चौड़ाई 1825 मिलीमीटर, ऊंचाई 1445 मिलीमीटर और व्हील बेस 2720 मिलीमीटर है। दोस्तों, आपको कैसी लगी कार कमेंट सेक्शन में इसके बारे में हमें ज़रूर बताना। और इंडिया में 2021 में ही इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा और काम किया जाना बाकी है। मैंने आपको इंटीरियर लुक दिखाया, एक्सटीरियर दिखाया, साइड प्रोफाइल दिखाया और इसको मैंने शेयर किया है इंस्टाग्राम पर भी @okcar247 पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। न्यू ह्युंडई एलेंट्रा एक फीचर लोडेड कार है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 64 एम्बिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम, डुअल जोन एसी, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, एनएफसी, इनबिल्ट डिजिटल कार की वॉइस कमांड से लैस कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की बदौलत कार के एसी, सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट समेत कई फीचर को वॉइस के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें फ्रंट कोलिशन असिस्ट, लैंड कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। इनमें रडार बेस्ड सिस्टम पर काम करते हैं। ऐसे में ये फीचर भारत आने वाली नई एलेंट्रा में मिलने की संभावना कम ही होने वाली है। 2021 एलेंट्रा को केवल पेट्रोल इंजन में पेश किया गया है, जिसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 147 PS की पावर और 179 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ ही इसमें CVT गियरबॉक्स दिया गया है। मौजूदा एलेंट्रा की बात करें तो इसमें भी 2.0 लीटर का इंजन दिया जाता था, हालांकि इसमें इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का ऑप्शन भी रखा जाता था। नई ह्युंडई एलेंट्रा में पहली बार हाइब्रिड पावर ट्रेन भी दिया गया है। इसमें 1.6 लीटर ZDI इंजन के साथ 32 किलोवाट मोटर दी गई है, जिसकी संयुक्त पावर 139 PS और टॉर्क 264 Nm का है। रेगुलर एलेंट्रा की तरह ही हाइब्रिड वर्जन में भी CVT गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी का कहना है कि एलेंट्रा हाइब्रिड 21 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज देगी। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हाइब्रिड एलेंट्रा को भारत में नहीं उतारा जाएगा। भारत में केवल सेडान कार को डीजल इंजन में पेश किया जा सकता है। भारतीय कार बाजार की बात करें तो ये कंपनी ने अक्टूबर 2019 में एलेंट्रा फेसलिफ्ट का वर्जन लॉन्च किया था। इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में नई एलेंट्रा को 2021 तक लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च के बाद इस कार का मुकाबला होगा होंडा सिविक, स्कोडा ऑक्टेविया से। तो फिलहाल ये वीडियो इतना ही है। नई ह्युंडई एलेंट्रा के बारे में जितनी भी अपडेट थी हमारे पास, सारी अपडेट आपके लिए लेकर के आए ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कार जगत से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट समय से मिलती रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।